तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को जो है इस वीडियो के इंग्लिश में वो मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके मतलब इसी वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहो, बस यही काम करना है। और लास्ट में वो पार्ट भी आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी देख सकते हो। तो बहुत दिन हो गया ये इस पार्ट को आते आते ये पार्ट। तो वैसे जैसे आप लोग, मैंने वो वोटिंग पोल पे रखा था कि रेफरेंस बोर्ड को आप लोगों ने ज्यादा वोट दिया कि इसी को ड्रॉ करना है, पर जब ड्रॉ करके आप लोग देखा तो ज्यादातर लोग देखते ही नहीं, और देखते भी है तो कुछ 1 मिनट तक भी नहीं देखते। तो इतने 10 20 5 6 इतने घंटे मेहनत करके ड्रॉ करके आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, और इसका रिजल्ट ये मिलता है आप लोगों से। वैसे बुरा तो लगता है, फिर भी अपना कोशिश तो जारी रखना है, किसी के ऊपर आशा तो नहीं कर सकते। बस अपने जैसे कहा गया है, कर्म करो फल की आशा ना करो, मत करो, तो उसी को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो आज कब का ही जो यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मेरा वीडियो देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि आज लगभग 4 साल कंप्लीट होने वाला है, अभी तक जो है यूट्यूब चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ। ये जब मोनेटाइज है उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो है होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो मैंने बना दिया है। जैसे कि वैसे तो बहुत सारे लोगों का जो है ऐसा होगा कि उन लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया, 5 6 साल, पर लोग रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो सकता है। पर मैं जो है रेगुलर पर डे कम से कम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ 4 साल से। हफ्ते 2 हफ्ते की बात अलग है, पर फिर भी जो है चलो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, तो ये मेरे से जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। अगले 26 फरवरी तक अगर ये चैनल मोनेटाइज ना हो तो जरूर इसका वीडियो बहुत बनाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक देखते रहो, जिसके ज्वेलरीज को ड्रॉ करने में काफी टाइम लगता है, तो ध्यान से देखना। अगर आप भी रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हो तो इसमें बहुत कुछ सीख पाओगे, तो देखते जाओ कैसे कैसे करता हूँ। और यह सब कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे वाटर कलर अप्लाई कर रहे हैं, तो वाटर कलर अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वाटर कलर अप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा यह हाईलाइट यहाँ पे दिख रहा है, हाईलाइट हो जाएगा, इसलिए आप वाटर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम ज्वेलरीज या फिर मुकुट जो डिटेलिंग ज्यादा है इसमें वो सब हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है जो आउटलाइन मैंने ड्रॉ किया था पहले, वही सेम प्रोसेस मैं डार्क ब्राउन कलर के पेंसिल से कर रहा हूँ। जितना अरे आप एक बार में आप ज्यादा एरिया मत लेना है ड्रॉ करने के लिए, छोटा छोटा से कम किल थोड़े थोड़े एरिया में ही आपको एक, जैसे कि मैं ले रहा हूँ आप लोग यहाँ से देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा पार आपको नहीं लेना, नहीं तो क्या होगा आप जल्दी जल्दी कोशिश करोगे ड्रॉ करने की और आपका आर्ट ऑफ रियलिस्टिक नहीं हो पाया। आपको क्या करना है, कुछ कुछ करोगे, एक बार में आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर आप कुछ कुछ करते जाओगे तो सब कुछ कर दोगे, तो इसी हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। और यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ व्हाइट कलर पेंसिल से ही, हाइलाइट तो उतना नहीं हो पाएगा पर ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद हम हाईलाइट और भी चीजों से हाइलाइट करेंगे, कोशिश करेंगे हाईलाइट करने की। उसके बाद और डार्क करना है कुछ कुछ जगह पे, उसके बाद और भी डार्क पेंसिल का वो उसका भी हम यूज करेंगे। और अब मैं ग्रेफाइट पेंसिल एजी पेंसिल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे बीच बीच में आप चाहो तो इससे डार्क पेंसिल भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे डार्कनेस के हिसाब से, अगर डार्क उतना नहीं है तो आप एजी से एजी पेंसिल से भी काम चला सकते हो। और हाईलाइट करने के लिए मैं व्हाइट जेल पेन यूज कर रहा हूँ। तो हम इस तरफ भी हम ड्रॉ करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस जो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से किया था वही काम हमें अब कलर पेंसिल से करना है। तो आपको देखना है डार्कनेस के हिसाब से, आप लाइट टू डार्क तक भी जा सकते हो, अगर डार्क टू लाइट तक, जैसे कि मैं अब डार्क से लाइट तक जाऊंगा। इसके बाद पहले मैं डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ, उसके बाद इससे जो थोड़ा सा कम डार्क होगा रेड कलर जैसा ऑरेंज कलर, इस हिसाब से आगे बढ़ते जाऊंगा।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा येलो कलर से इनको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार ज्वेलरीज जो है थोड़ा सा येलो इफेक्ट भी दिख रहा है रेफरेंस फोटो में, जिस हिसाब से आप हम देख पा रहे हैं। तो उसके बाद मैं इसको भी हाईलाइट करूंगा कॉटन व्हाइट जेल पेन से। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाकी रहेगा था, उसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं जो है व्हाइट कलर पेंसिल से इनको हाईलाइट करना है। हर एक जगह पे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है वहाँ पे आप कर सकते हो। और अब हाईलाइट आपको जब करना है थोड़ा सा मीडियम प्रेशर से ही, आपको थोड़ा सा प्रेशर तो अप्लाई करना होगा, नहीं तो हाईलाइट ग्रेनिंग तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद और डार्क करना है तो यहाँ पे मैं जब रेड कलर यूज़ करूँगा, थोड़ा सा प्रेशर आपको ज़्यादा रखना होगा, इतना भी नहीं कि पेपर ही फट जाए। और ये पेपर आसानी से फटने वाला भी नहीं, और पेपर का परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और पार्ट टू में मैंने बता दिया है कौन कौन सा मटेरियल इस आर्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ। उन सभी का जो होगा ऑफलाइन में, तो जो ऑफलाइन में खरीदा है तो आप लोग आपको भी ऑफलाइन में मिल जाएगा, जो ऑनलाइन में खरीदा है उसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप परचेज करते हुए जैसे कि व्हाइट जेल पेन, पेपर और बाकी जो भी कुछ होगा, वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जो जो कुछ भी मैं ज़्यादातर जो है यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं डार्क कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस है उन जगह पे ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे HB से लेकर 8B 12B तक भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको देखना है डार्कनेस कहाँ पे कितना है, उस हिसाब से आपको पेंसिल यूज़ करना है। तो डार्क करने के बाद अब हमें हाईलाइट करना है, फाइनल लेयर कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मैं व्हाइट जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ। व्हाइट जेल पेन आपके पास परचेस लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, परचेस वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट जेल पेन में 08 वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है व्हाइट ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो हो सके तो ना ही करना तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई करके अप्लाई किया है, उसके बाद मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि जो ये अप्लाई करने के बाद और जो आप व्हाइट जेल पेन यहाँ पे आए उससे हाईलाइट नहीं कर पाओगे, तो उससे जो मैं करना चाह रहा था तो वो नहीं हो पाया, जितना डिटेलिंग जितना बहुत कुछ दिक्कत हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप जो ऑयल पेस्टल कलर अभी अप्लाई ना करो, जब आपका व्हाइट जेल पेन से ये लेयरिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं, जैसे जो प्रोसेस मैंने ऑयल पेस्टल से किया है। उसके बाद मैं वाटर कलर से कर रहा हूँ हाईलाइट, तो इसलिए क्योंकि व्हाइट जेल पेन यहाँ पे तो काम नहीं कर, क्योंकि हमने ऑयल पेस्टल कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो ऑयल पेस्टल के आगे व्हाइट जेल पेन का कोई बस नहीं चलता। तो हम इनको भी ड्रॉ कर लेंगे, जो ऊपर के जो ज्वेलर्स हैं, तो वही वही डायरेक्ट वही सेम प्रोसेस आपको हाईलाइट जो आउटलाइन ड्रॉ किया था आपने, वही प्रोसेस आपको कलर पेंसिल से करना है मीडियम प्रेशर से। तो डार्क ग्रीन कलर से जिस तरफ थोड़ा सा इफेक्ट जो है थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है, और बाकी जगह पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको जो है जो येलो इस इफेक्ट दिख रहा है, तो उस तरफ उन तरफ ही उस तरफ भी जो है आपको जो है ये येलो कलर अप्लाई करना है। और उसके बाद नेक्स्ट लेयर और डार्क पेंसिल लेना है। आप चाहो तो इस बार जो है डार्क HB पेंसिल भी ले सकते हो, या फिर आप डार्क ब्राउन लोगे तो भी अच्छा हुआ। उसके बाद जो है इनको जो है ब्लेंड कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं जो मैंने येलो कलर अप्लाई किया उससे पहले आप व्हाइट ये जो व्हाइट कलर में यूज़ कर रहे हो वो अप्लाई कर देना, नहीं तो जो हाईलाइट वो अच्छे से नहीं हो पाया, यहाँ पे आप देख सकते हो।
में जो है डार्क ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल आप एच बी से लेकर 12 बी तक भी यूज कर सकते हैं डार्कनेस के हिसाब से। तो सब लेयर जो है कंप्लीट करने के बाद फाइनल लेयर हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट जेल पेन यूज कर रहा हूँ। आपके पास नहीं है तो आप वाटर कलर ही अप्लाई कर लेना, और ब्रश सबसे छोटा वाला ही रखना, नहीं तो जो है इतना छोटे छोटा 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 जो है डॉट आप नहीं दे पाओगे, बहुत जो है प्रॉब्लम होगा, आर्टो रियलिस्ट डिटेलिंग तो नहीं हो पाएगा। तो ये कंप्लीट होने वाला है, तो बैकग्राउंड को भी ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर सॉरी रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद बाकी जो डार्कनेस दिख रहा है बैकग्राउंड में बैकग्राउंड पे तो उनको भी ड्रॉ करना है। तो ये जो है बाहर का सन सूर्य देवता हमारे आटो को देखने आ गए, तो वही आप लोगों को आटो के ऊपर दिख रहा है, आटो के नहीं हाथों के ऊपर। तो यहाँ पे विशेष तरह से अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप तो नहीं कर पाओगे शायद अगर बिगिनर हो तो यहाँ पे यही करना था कि सबसे पहले लाइट लाइट टू डार्क तक जाना था। मैं यहाँ पे जो है डार्क टू मैं यहाँ डार्क टू लाइट तक आया, पर यहाँ पे आपको जाना है लाइट टू डार्क तक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ये बैकग्राउंड अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे इसको ब्लेंड कर देना है, ब्लेंड के लिए कॉटन बार है, कॉटन बार ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे जिस हिसाब से जो इफेक्ट दिख रहा है उस हिसाब से मैं वो कलर अप्लाई करने की कोशिश करूँ, और ज़्यादा यहाँ पे बताने की जरूरत है, आप कलर को देख के भी आप पहचान पहचान सकते हो कि कौन सा कलर यूज़ करना, और थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए, इधर येलो की जगह डार्क येलो, ये लाइट येलो, ये सब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा आटो जो इफेक्ट है जैसा दिखना चाहिए वैसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इधर हुआ तो कोई तो भी कोई बात नहीं। तो इस वीडियो तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय सियाराम।